एक बार पूरी पब्लिक चेक कर, आधे से ज़्यादा लोग अभी आए नहीं हैं और आधे से लोग ज़्यादा आ गए हैं और हमारा रूम है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस, और आपको सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और ईद हमारी माशाल्लाह मदीना मुनव्वरा में हो रही है और अभी ये सुबह की टाइम है, अभी 2 बज रहे हैं, सुबह की टाइम नहीं है, अभी 2 बज रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं रेडी हो गया हूँ फुल। अभी ये बहाना है, मेरे को आता नहीं है, तो क्योंकि अरबी से हम लोग बनवाएंगे और अरबी लोग से किसी से बनवा लेंगे, उसके बाद चलते हैं, आज दिखाते हैं आपको यहाँ पर ईद कितनी स्पेशल ईद आज हमारी गुजरी। अल्लाह ने सबको यहाँ पर बुलाने की तौफीक अता फरमाया, तो अभी हम लोग चलते हैं डायरेक्ट मदीना मुनव्वरा। तो गाइस अभी हम लोग अंदर चल रहे हैं, माशाल्लाह तबारकअल्लाह भीड़ तो, और होटल हमारा बहुत नज़दीक है, अभी अभी ये मतलब बहुत नज़दीक मिल गया हम लोगों को माशाल्लाह। ये देखो ये लोग ऐसे ही रास्ते में हैं, और ये रहा हमारा मस्जिद नबी। अभी देखते हैं अंदर चल के। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं डायरेक्ट मस्जिद नबी की साइड, और अभी हमको अंदर जाना है। तो ये माशाल्लाह होटल है और हमारा बहुत नज़दीक होटल है, तो अल्लाह का करम है कि हम लोग बहुत नज़दीक पाए, नहीं तो वैसे होटल मिलना मुश्किल ही नामुमकिन है। लेकिन यहाँ पर देखो सब लोग जमा हो रहे हैं, अभी बहुत टाइम है, कम से कम 4-5 घंटे हैं, लेकिन सब लोग को मतलब अगर आप नहीं आएंगे तो फिर जगह नहीं मिलेगी, फिर जगह नहीं मिलेगी तो बाहर पड़ना पड़ेगा, तो इसी के हिसाब से अभी चलेंगे अंदर और अंदर का व्यू देखेंगे इंशाल्लाह। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, ज़रूर कमेंट में ईद मुबारक का जवाब दीजिएगा। तो अभी चलते हैं अंदर की साइड, अभी हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि अंदर तरफ जगह नहीं मिलेगी, आप पहले नहीं जाओगे तो आपको फुल मिलेगा, क्योंकि इतने सारे लोग उधर देखो उस साइड देखो पूरा। और मैंने मक्का ज़ियारत की वीडियो डाली है जूस पीके पीजिएगा, देखो पूरा पूरा पब्लिक अभी यहाँ पर जो खाली दिख रहा है ना, इंशाल्लाह मैं नमाज़ पढ़ने के बाद तो पूरा दिखाऊँगा। और ये स्पेशल सिर्फ ईद के लिए व्लॉग है, इसके बाद ज़ियारत वाला भी आएगा, और भी चीज़ें अगर मैं जाऊँगा जैसे कि अहमद परफ्यूम हो गई, एक न्यू म्यूज़ियम बना है उसका हो जाएगा, और भी चीज़ें हैं जो बने हैं इंशाल्लाह मैं वो आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊँगा। फाइनली अभी हम चलते हैं अंदर, अंदर चलने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो आई पब्लिक चेक करो, अभी हम लोग हदूद में हले हैं, हदूद में हलने के बाद ये देखो पूरे एक साथ, एक तरफ लाइन होटल है और उस तरफ है मतलब क्या वो मेरे खजरा, उधर चलना है, देखते हैं कहाँ पर पैलेस मिलती है, जगह कहाँ मिलती है हमको। और भीड़ चेक करो, कुछ बट रहा है वहाँ पर, कुछ वहाँ पर हो रहा है, इसलिए पब्लिक उधर भागती जा रही है, भागती जा रही है, मुझे लगता है कुछ बट रहा है वहाँ पर। तो अभी हम लोग चलेंगे डायरेक्ट, देखते हैं अंदर हमको जगह मिलती है कि नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है इन्होंने बंद कर दिया है, हाँ बंद कर दिया, उधर से खोला है, अंदर से इधर से बंद कर दिया गेट, उधर से जाने दे रहे हैं। और भीड़ देखो उस तरफ दरवाज़ा बंद कर दिए, अंदर हलने की इजाज़त नहीं है, हम लोग हो सके बाहर ही थी नमाज़ पढ़ो, उस तरफ भी पूरी भीड़ और नमाज़ पढ़ेंगे। ये रही अपनी छुट्टी, लोग आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, भीड़ रुकी नहीं रही है, तो इधर ही कहीं जगह बनाते हैं, इधर ही घुसेंगे, इधर ही चलते हैं अंदर, पब्लिक बढ़ती जा रही है पूरी। तो भाई हम लोग को अपनी जगह मिल गई है, जगह मिलने के बाद अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं अभी 3 बजे से, और जमात है
जमात है यहाँ पर। जब तक सूरज नहीं निकलेगा तब तक जमात नहीं होगी, तो इसका वेट करना पड़ेगा कि सूरज कितने बजे निकलता है। 5 बजे निकलता है, 5:30 बजे निकलता है, अभी बच रहे हैं 3:10। 3:10 मतलब कम से कम अभी 2.5-3 घंटा बैठना है। और मैंने जैसे कि दिखाया कि आपको वीडियो में कितनी भीड़ है, और कुछ दिखाने के लिए है ही नहीं क्योंकि अभी कहीं जा ही नहीं सकते हम लोग, तो इसलिए मैंने ये दिखाया। और इंशाल्लाह आप लोग को अगर मैं मतलब सबसे बड़ी टेंशन मेरी ये है कि मेरी बैटरी उतर जाती है, तो इसलिए तो थोड़ा व्लॉग ऐसे बन जाता है। और धीरे धीरे अभी मैं व्लॉग धीरे धीरे सही कर रहा हूँ, बोलना बोलना मतलब धीरे धीरे सही हो रहा है, इंशाल्लाह कभी ना कभी तो सही हो ही जाएगा। तो अभी हम लोग को नमाज़ पढ़ने में 3 घंटा है, तो अभी नमाज़ अदा करेंगे उसके बाद घर चलेंगे, देखते हैं कहाँ चलेंगे। क्योंकि अगर कहीं मार्केट जाएंगे तो उसका भी व्लॉग अलग से बनाऊंगा, क्योंकि ये ईद के लिए मैं स्पेशली बना रहा हूँ। तो मिलते हैं अभी आपको नमाज के बाद। अभी गाइस फजर की अजान हो रही है, इसके बाद देखते हैं सूरज कितने। वो जो पहली अजान हुई थी वो तहज्जुद की हुई थी, अब जो हो रही है फजर के अजान के लिए हो रही है। तो अभी हम लोग 3 घंटे से बैठे हैं। इधर तो भाई अंधेरा है और ड्रोन उड़ा रहे हैं, वो देखो ड्रोन उड़ रहा है और ड्रोन, और इधर से अपना सूरज निकलने लगा माशाल्लाह। इधर से सूरज आ रहा है और ये बता रहे हैं कि उधर से लेके यहाँ से लेके पूरे पुल मतलब एक पुल है उस साइड तक भी है। और जो आदमी अपने हाथ 2 मिनट नहीं 5 मिनट मस्जिद में बैठा माशाल्लाह 5-5 घंटा, कोई तो सुबह से बैठा है, कोई सुबह शाम पूरा बैठा है। नमाज होने वाली है और सूरज निकला है, तो वो आपको चक्कर लगाएगा, मतलब ये इसलिए चक्कर लगाते हैं कि कहीं कुछ
ना हो जाए, कहीं दुर्घटना हो जाए तो ये लोग ऊपर ही से पूरा करते हैं। वो उनका अभी चालू हो गया है और अभी यहाँ पर जिक्र चल रहा है माशाल्लाह। बार बार अलग अलग इमाम कर रहे हैं, मुझे लगता है जितने इमाम हैं सब लोग अपना अलग अलग कर रहे हैं, तो इसीलिए आधा घंटे पहले ही जिक्र चालू हो गया है तस्बीह। अभी दूसरे इमाम आ गए हैं और ये अपना चक्कर लगाएगा जब तक मतलब नमाज ना हो जाती, तब तक वो चक्कर लगाता रहेगा। और हम लोग यहाँ से नमाज पढ़ने के बाद देखते हैं क्या है, क्योंकि अभी चार घंटे से हमने बैठना है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से तो अभी जाके आराम करना है, फिर फोन को चार्ज पे लगाना है। फोन को चार्ज पे लगाने के बाद फिर देखते हैं क्या प्रोग्राम होता हमारा। तो माशाल्लाह हमारी ईद की नमाज हो गई और सब लोग उठ के जाने लगे हैं और हमारा खुतबा स्टार्ट हो गया और हेलीकॉप्टर अभी भी माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी चल रहा है खुतबा ईद का, उसके बाद खुतबा सुनने के बाद देखते हैं क्या हमारा प्रोग्राम रहता है। والارض قد لبست اثواب سندس سندسها والارض قد لبست اثواب سندسها والروض قد بسمت منه ازاهره حاكت يد الحسن وشيا في صبيحته على الربوع فعيد الفطر ناشره فلاح فيه من الانوار باهرها وفاح فيها من النوار बस है। तो गाइस हमारी ईद फाइनली कंप्लीट हो गई और सब लोग गले मिल रहे हैं, क्या मंजर है भाई क्या मंजर है। तो कुछ लोग दुआ भी मांग रहे हैं, कुछ लोग गले मिल रहे हैं और अभी हमको पूछना है हमारी फैमिली को, क्योंकि उनके बिना अभी हम लोग जाएंगे नहीं घर, तो इसलिए अभी उनको पूछना है। पहले चप्पल उतारते हैं यहाँ पर, क्योंकि चप्पल साथ में लिए रहना पड़ता है, नहीं तो पता चला। और सब लोग उधर जा रहे हैं, अभी देखते हैं किधर है, उसके बाद रूम पे चलते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है देखते हैं। सब लोग सलाम दे रहे हैं, हम भी यहाँ से दे सकते हैं। तो गाइस फाइनली हमारी ईद मुकम्मल हो गई है, अभी चलेंगे और अपने रूम पे और यहीं पर व्लॉग ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको और व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।